हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू नव्या किचन। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल में मटर पनीर की रेसिपी, जो खाने में काफ़ी टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 प्याज, 2 टमाटर, कुछ लहसुन की कलियाँ, 2 छोटे टुकड़े अदरक के और कुछ हरी मिर्च, हरी धनिया, साथ में मैंने 400 ग्राम पनीर और 1 कटोरी ताजी हरी मटर ली है और कुछ मसाले। अब मैंने एक कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम मीडियम फ्लेम तक हीट होने देंगे। अब ये हमारा ऑयल अच्छे से हीट हो गया है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, फिर इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, जो मसाला है वो अच्छे से रेड हो जाए। फिर इसमें कटी हुई प्याज ऐड करेंगे, फिर उसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। चलाने के बाद उसमें हम अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की कुछ कलियाँ ऐड करूँगी और उसको कुछ देर तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। फिर हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढककर रख देंगे कि प्याज अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और उसको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा गल जाए। फिर इसमें हम 2 टेबल स्पून मटर पनीर मसाला ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। फिर इसमें हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे, जिससे हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। अब ये मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे, जिससे ये जो मसाला है वो ठंडा हो जाए। आप हमारी मटर पनीर की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर एक जार में हम सारे मसाले को निकाल लिए हैं, फिर इसको हम बंद करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारी ग्रेवी बन गई है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, जिसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। अब ये तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम हरी मटर डालेंगे, फिर उसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर यहाँ पर कुछ कटे हुए पनीर के पीसेस रखे थे, उसको ऐड करेंगे, फिर उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर तक फ्राई करते रहेंगे, जिससे हमारी जो पनीर है वो थोड़ी रेड हो जाए। फिर उसके बाद मैंने जो ग्रेवी बनाई थी, हम उसको ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम उसको सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये देखिए कितने अच्छे से हमारी ग्रेवी इसमें मिक्स हो गई है। अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी पाउडर ऐड करेंगे, फिर इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये लगे ना। अब ये ढाबा स्टाइल मटर पनीर बनके रेडी हो गई है। आप इसको एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये मटर पनीर की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।